गुजरात के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, आज शाम तबाही मचाने की आशंका है। नेवी, एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ समेत सभी एजेंसियां मुस्तैद पर। गुजरात से 50,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के तटों पर रेड अलर्ट है, 24 घंटे बारिश का भी अनुमान है। वही एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। नौसेना के 4 जहाज स्टैंडबाय के तौर पर रखे गए हैं। अंतरिक्ष से चक्रवात का दिखा दिल दहला देने वाला नजारा, इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैमरे में कैद किया गया है। यूएई के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी ने बिपरजॉय का वीडियो शेयर किया है। ट्वीट करके लिखा है, अरब सागर में चक्रवात की अंतरिक्ष से तस्वीरें, भगवान सबकी रक्षा करें। वहीं गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने चैनल 16 के माध्यम से चेतावनी दी है। कहा, पोरबंदर से उत्तर पश्चिम 190 समुद्री मील दूर बहुत तेज तूफान उठा है, खराब मौसम से सावधान रहें। गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंदिर में पूजा पाठ किया है। तूफान का असर कम होने के लिए भगवान से प्रार्थना। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने मथुरा में शुरू की पूजा अर्चना, देश के लिए प्रकृति से शांत रहने की कामना। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात में असर, तटीय इलाकों में समंदर में जबरदस्त हलचल, उफान। देवभूमि द्वारका में उठ रही है समंदर की कई फीट ऊंची लहरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से तैयारी पर बातचीत की है। गुजरात की रेस्क्यू टीम ने संभावित तूफान को लेकर लोगों को अलर्ट जारी कर रही है। सुरक्षा के लिए जहाजों और विमानों से लगातार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। गुजरात कच्छ से करीब 290 किलोमीटर दूर चक्रवात और निकासी जारी। चक्रवात की बिपरजॉय कच्छ के जखाऊ बंदरगाह के निकट पहुंचने की संभावना। कच्छ में बिपरजॉय से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। बीएसएफ ने सरहदी गांव के लोगों को पहुंचाई है राहत। पश्चिम रेलवे ने बताया कि 76 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 36 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कक्ष के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की उपलब्धता की समीक्षा की है, सुनिश्चित। गुजरात और पाकिस्तान से सटे बाड़मेर में चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का होगा सबसे ज्यादा असर। सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द हैं, कई निचले इलाकों को खाली करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अलर्ट, झील से बड़ी नाव निकाले जाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। तट से टकराने से पहले बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर, द्वारका में दूरदर्शन और रेडियो का टावर गिर गया। वहीं आज भक्तों के लिए बंद रहेगा द्वारकाधीश मंदिर। दुर्घटना या जनहानि से बचने के लिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान बिपरजॉय के चलते रद्द किया तेलंगाना का अपना आज का दौरा। दिल्ली के अपने दफ्तर से बनाए हुए हैं नजर। 24 चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता पर सरकारी एक्शन, विधि आयोग ने जनता और धार्मिक संगठनों से मांगे महीने भर के भीतर सुझाव, इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार करेगी फैसला। जबकि उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर आज होने वाली महापंचायत रद्द हो गई है, आयोजक जल्द ही करेंगे अगली तिथि का ऐलान। दक्षिणी 24 परगना में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। दक्षिण 24 परगना के केनिंग में टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है, हिंसा को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। हिंसा के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस की रैली होनी है, 8 जुलाई को वोटिंग होनी है। टीएमसी पंचायत प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होते ही धमकी दी जा रही है, उम्मीदवारों के घर के सभी फर्नीचर, कुर्सी, मेज तोड़े गए। कोलकाता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ रैली करेंगे, 10 जून को चुनाव कार्यालय के बाहर हत्या के विरोध में रैली। राहुल गांधी, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को समन, बीजेपी ने दाखिल किया मानहानि का केस। उधर सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग पर योजना के शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री कि जितनी जल्द हो सके सभी योजनाओं का काम पूरा करें, पता नहीं कब लोकसभा चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार ने आगे कहा, जल्दी काम करिए, सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को स्पष्ट संदेश दीजिए।
इधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुप्तार घाट का निरीक्षण किया, साथ ही लेजर शो में शिरकत किया। सीएम ने सीएम एकनाथ शिंदे राज्य परिवहन निगम के अमृत महोत्सव वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, लोगों को संबोधित भी किया। यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने बाराबंकी में बांटे पुरस्कार, टॉपर बच्चों को दिया 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार और टैबलेट्स। मणिपुर हिंसा में 9 की मौत, सेना और असम राइफल्स को अलर्ट पर रखा गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है दिल्ली पुलिस, महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में चार्जशीट के आसार हैं। आज चार्जशीट दायर होने की खबर पर बोलने से ब्रजभूषण का इनकार, उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी का जन महासंपर्क अभियान, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के चंडीगढ़ दौरे पर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुलाएंगे बीजेपी सांसदों का सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैबॉन के पहले कृषि एसईजेड परियोजना का शुभारंभ किया है, कई लोग इसमें मौजूद हैं। भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का जवाब, कहा कांग्रेस संस्कारहीन पार्टी है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के नीतीश पर प्रहार, कहा जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है नीतीश को लग रहा होगा कि तेजस्वी उन्हें गिराकर सीएम बन सकते हैं। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार का दावा, बीआरएस के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी में शामिल होने के लिए पदों से इस्तीफा देना होगा। कोलकाता हवाई अड्डे में आग पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, कहा चेक इन काउंटर के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन मामूली आग लगी, स्थिति नियंत्रण में है। कोलकाता हवाई अड्डे पर लगी आग पर काबू पाया गया, लगातार मेहनत कर दमकल कर्मियों ने इस आग को बुझाई। भारतीय सेक्युलर नेता नौशाद सिद्दीकी पहुंचे कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। उधर सुकमा में पहली बार पहुंचे मंत्री कवासी लखमा, स्थानीय लोगों को दी करोड़ों रुपए की सौगात। करौली में मंत्री रमेश मीणा ने महंगाई राहत केंद्र का निरीक्षण किया, उनके जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने द्वारकाधीश मंदिर का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, मीडिया से बातचीत की। जबकि असम के बंगाई गांव में बिजली शुल्क में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, लगाए बीजेपी विरोधी नारे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रसूखदार जलाशय में मोटर पंप लगा, लाखों लीटर पानी की चोरी की, मछली पालन के लिए चुराया पानी। बेगूसराय कोर्ट में कार्यरत आदेश पाल के घर पर दबंग पड़ोसियों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया, मामले की जांच चल रही है। तिरुपति में घातक सड़क दुर्घटना में 3 हाथियों की मौत हो गई, मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स यूटी लेवल कैपोरी में शिरकत की, गाइड्स को संबोधित किया। असम में विभिन्न दलों से लोगों की बीपीएफ दल का हाथ थामा, बीपीएफ दल के प्रमुख हग्रामा मोहिलारी रहे मौजूद। फिरोजपुर भारत पाकिस्तान सीमा से एक उज्बेकिस्तानी महिला को बीएसएफ ने पकड़ा है, पंजाब पुलिस के हवाले, सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में इस महिला से जुटी हैं। सुकमा में सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नालंदा में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन हुआ है, लेकिन चिकित्सक नहीं आए, सीएस के आदेश को दिखा रहे हैं ठेंगा। बदायूं में 4 साल से लगातार मां गंगा की आरती कर रहा छात्र, पहले ही कोशिश में पास की नीट की परीक्षा। दुर्ग के मैत्री बाग भिलाई में सफेद बाघिन के 3 शावकों को जन्म दिया है बाग में, अब 9 सफेद शेर हो गए हैं। लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, कई किस्मों के इसमें आम प्रदर्शित किए गए, किसानों ने शिरकत किया। पठानकोट में जवानों को उनके लिए नई पहल, पुलिस स्कूल और फोर्सेस को सिखाए जा रहे हैं तनाव मुक्त रहने के गुर। ईटानगर में भारतीय राष्ट्रीय कार रैली चैंपियनशिप आयोजित की गई है, मंत्री मामा नटुंग ने हरी झंडी दिखाई।